एक 2000 एक हाथ जने का काम नहीं है खुद का, उसमें काफ़ी आदमियों का काम है, जिससे पीछे से चाकू मारा, रिपोर्ट में दिखा रहा है यहाँ भी चाकू लग गया, यहाँ से भी चाकू मारा, इधर से भी चाकू मारा, इधर से भी मारा, फिर पेट में मारा। अपील करते हैं कि आज जो हमारी बेटी के साथ हुआ, ठीक है, मैरिड हो सकती है, मानने के लिए तैयार है, कुछ भी हो सकता है, मानने के लिए तैयार है, लेकिन इस तरह से कैसे मार सकते हैं ये मानने के लिए हम तैयार नहीं है। A 21-year-old Delhi civil defense employee from Sangam Bihar was allegedly abducted, raped and brutally murdered in Haryana's Faridabad. While there are conflicting reports of the incident, the family say that they are not happy with the route the investigation is taking. The Quint has reached Sangam Bihar to talk with the victim's family. उस दिन 11 बजे मेरी लड़की यहाँ से गई, उसका 7 बजे से 8 बजे तक लोग उसका यहाँ घर पर आ जाती थी, उस दिन नहीं आ पाई वो। मैं यहाँ से ढूंढता ढूंढता 11 बजे में DM ऑफिस गया जहाँ वो ड्यूटी करती थी। वहाँ जाकर उन्होंने पुलिस वालों ने मुझे एक तरफ को बिठाया, मेरी घरवाली के बारे में पूछा कि इन्हें कोई बीमारी तो नहीं है, मैं बोला हाँ बीपी हाई है, उसको एक तरफ को बिठा दिया कि इन्हें एक तरफ को बिठा दो। फिर मुझे एक तरफ को ले जाकर वो बोले का मर्डर हो गया है, तो मैं हिम्मत बांध रहा अपनी घरवाली को देखकर कि वो तो बीमार रहती है। बोले मैं बोला उनसे कि किसने किया कि निजामुद्दीन ने किया, कलंदी कुंज थाने में हाजिर हो गया। फिर पुलिस वाले जो लिखना था वो लिख रहे थे, 2:30 के बीच में उन्होंने कागज़ तैयार किए, हम मुझे हॉस्पिटल लेकर चले गए। हॉस्पिटल लेकर चले गए तो वहाँ मैं आधा घंटा बैठा रहा, डॉक्टर आया, आकर उन्होंने पोस्टमार्टम जो करा वो 25-30 मिनट में उन्होंने करके मुझे दे दिया। मैं उनसे बोला पुलिस वालों से कि मैं यहाँ मेरा कोई नहीं है, मैं बॉडी गांव ले जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे बनाकर पर्चा एक दे दिया। बॉडी को लेकर मैं यहाँ आ गया, बच्चे मेरे यहाँ तड़प रहे थे, उन्हें बिठाया मैंने, 15-20 मिनट में मैं लेकर घर चले गए गाँव। वहाँ जाकर मैं देखता हूँ अगले दिन 10 बजे तो हम पहुँचे शाम को, 28 में जब कफन दफन करा और जब उसकी बॉडी को खोला, नहलाने वाली भी थी, ये भी थी साथ में, जब देखा था उसके शरीर में सब में चाकू हैं लगे हुए, कोई जिस्म ऐसा नहीं है जहाँ चाकू नहीं मारा। फिर आकर मैं पुलिस वाले को मैंने जब नुला धुला दिया 28 में, 29 में मैंने फ़ोन करा पुलिस वाले को, भाई भाई जो FRI है वो मुझे दे दो और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो मुझे दे दो। तो पुलिस वाले बोले तुम आराम से तसल्ली में घर रहो, हम फ़ोन कर देंगे। और जो लोग अभी तक कह रहे हैं सब लोग कि भाई उनकी मैरिड हो गई है, शादी हो गई थी या जो भी था, तो अभी तक फैमिली के पास में हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, हमें अभी तक ये नहीं बताया गया है, हमारे सामने कोई प्रूफ नहीं है जो हम देख के कह सकें। लेकिन अगर कोई भी चीज़ किसी की बीबी भी होती है, कोई मैरिड सर्टिफिकेट या कोई भी चीज़ सामने आता है, अभी तक नहीं है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता, आता भी है किसी भी तरह से तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि लड़की मेजर थी, लेकिन कोई भी इस तरह से इस बर्बरता से नहीं मार सकता। ये तो वही बात हुई कि लड़की को मैरिड करके शादी करके अगर ऐसे मारा जाएगा तो ऐसे तो सही नहीं है ना मैम, एक आप बीबी बना के और फिर मार दो अपनी, क्या खुंदस, क्या बेईमानी, क्या वो है। अब ये क्या बेटी नहीं थी इसकी, क्या जिंदगी जिंदगी नहीं थी, ये बहुत ही शर्मनाक बात है।
कि एक तरफ दिल्ली सरकार नीचे से लेके ऊपर तक पूरी की पूरी मशीनरी चुप्पी साधे हुए है और दूसरी तरफ केंद्र सरकार जिसके जुरिस्डिक्शन में दिल्ली पुलिस आती है और तीसरी तरफ ये खट्टर सरकार जो फरीदाबाद में जाकर उसकी हत्या होती है या उसके साथ बलात्कार होता है और FIR तक पूरी तरह से एकदम से बोगस बनाई जाती है, बोगस गवाह इकट्ठे किए जाते हैं कि ये मैंने इससे शादी करी थी, ये किया था, वो किया था, मतलब इन्वेस्टिगेशन का कोई ऐसा रास्ता इन्होंने छोड़ा ही नहीं है जिससे कि ईमानदारी से पुलिस के काम पर या सरकार के काम पर कोई विश्वास कर सके। हम आज परेशान हैं, आप सबके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, जितना हो सके इसके लिए आवाज़ उठाइए। कल को कोई और बेटी, कल को कोई और, उसको ऐसे ना फंसाया जाए, इस तरह से ना किया जाए, तो बस अब आप इससे यही अपील है। We are truthful, unafraid and independent because of you. Now you can help our reporting from the ground. Go to thequin.com, click Become a Member tab, choose a plan and pay. Because the truth is worth it.